अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड नमस्ते। एक बार फिर से एचआली टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों ये एलजी का 21 इंची फ्लैट टीवी है। इसमें प्रॉब्लम क्या था जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा ईएसटी खराब था तो ईएसटी मैंने बदला। मेरा बीयू खराब था, मैंने बीयू बदल दिया। मैं बदल दिया हूँ फिर काम करता हूँ, तो मैं जो काम करता हूँ वही बताता हूँ, ठीक है। तो मेरा ईएसटी खराब था, मैंने ईएसटी बदला। मेरा बीयू खराब था, मैंने बीयू बदला, और फिर भी मेरा पिक्चर नहीं आ रहा था। नहीं आने का मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, मैंने लाइन दे दिया और मेरा पिक्चर नहीं आ रहा। तो सबसे पहले मैं आपको एवी दिखाऊंगा, मेरा एवी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। देखिए मेरा, देखिए आपको एवी 2 है, मेरा एवी आ रहा है, देखिए, है ना। और जब मैं एवी का कोड लगाता हूं तो मेरा पिक्चर लेफ्ट प्लस राइट लिखाता, उसके बाद ये कुछ नहीं दिखता है, मतलब सिर्फ साउंड दिखता है। तो मैं देखिए, ये मेरा कोड है, मैंने एवी का कोड लगाया हूँ, देख लीजिए मेरा चार्ज हो रहा है वहाँ, ठीक है। और मैं देखिए यहाँ पे एवी का कोड लगाया और मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए देखिए लेफ्ट प्लस राइट लिखाया लेकिन एवी 2 है, ठीक है। और मैं लगता है कि कोड हिल गया है, इसलिए यहाँ पर लेन है जी आ गया। देखिए लेफ्ट प्लस राइट राइट लिखाया और लेकिन देखिए कुछ नहीं आ रहा है ना, कुछ नहीं आ रहा। तो इसके बाद मैंने वोल्टेज इसका मापा, मैं इसका वोल्टेज मापा, दोनों मेरे पास दोनों मीटर है, डिजिटल प्लस मैनुअल, ठीक है। तो मैं अब इसका वोल्टेज माप रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको डिजिटल में माप के दिखाता हूं, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, चलिए। तो सॉरी मेरा ये इसका ये प्रोड टूट गया, तो थोड़ा देर के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ। दोस्तों मैंने प्रोड जोड़ लिया हूँ, ठीक है, जुड़ गया मेरा प्रोड। अब मैं वोल्टेज मापता हूँ इसे, अब मैं 250 पे कर दिया हूँ, 200 पे। अब मैं ये प्रोड पे डालता हूँ, ये मैं देखिए 100 कितना वोल्टेज देख लीजिए, ठीक है। और मेरा यहाँ वोल्टेज देखिए कितना हो रहा है, 1.45 हो रहा है, ठीक है। वो भी बिलिंग कर रहा है, एक मुश्त नहीं रहता, बिलिंग कर रहा है, ठीक है। और मेरा इस पे देखिए, यहाँ मेरा कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए मेरा एवी वोल्ट 1.51 के आसपास है, देख लीजिए 1 के आसपास है ना। तो इससे यहाँ मेरा वोल्टेज 1.4 मिला है, तो मैं अब क्या करूंगा, इसको चेंज करके देखूंगा, इस रेजिस्टेंस को चेंज करके देखूंगा कि मेरा पिक्चर आता है कि नहीं आता है। ओके दोस्तों, मुझे वीडियो थोड़ा देर के लिए पॉज करना पड़ेगा क्योंकि मैं अकेला वीडियो बनाता हूँ, मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, ठीक है। तो मैं इसे पॉज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक 27 किलो का रेजिस्टेंस लगा दिया था। यहाँ पे मेरा पहले कितना लगा था देख लीजिए, मेरा पहले लगा था लगभग समझिए कि ये कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं साफ से दिखाता हूँ, ऐसे मान लीजिए तो लगभग ये 49 किलो का रेजिस्टेंस है, माने 49 किलो का, 79 किलो का रेजिस्टेंस लगता है, खैर जाने दीजिए जो भी हो। तो मैंने यहाँ पे अभी 27 किलो का रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है। और मैं अब लाइन देता हूँ, मेरा वोल्टेज देखिए कितना हो गया, 3.6 किलो वोल्टेज है, और यहाँ भी देख लीजिए उतना ही है, यहाँ देखिए मेरा 2.2, और मेरा वीडियो देखिए आता कि नहीं, सॉरी मैं तो लेन दिया है, मैं लेन तो दिया, मैं वीडियो क्यों नहीं आ रहा,
वीडियो आना चाहिए मेरा, अभी आया था वीडियो मेरा, पहले मैं लिखता हूँ, ये भी आता थोड़ा सा वीडियो देखिए मेरा, ए वी टू लिखाएगा आगे वीडियो है ना। तो मेरा प्रॉब्लम यही था। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल एच एल ई टेक को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देख लीजिए मैंने क्या बदला हूँ, फिर से एक बार बताता हूँ। मेरा ये स्पार्किंग कर रहा था ईएसटी, तो वो ईएसटी को जलाया था और मेरा बीयू भी खराब कर दिया था, तो इसके कारण मेरा ये भी गड़बड़ा गया। तो मैं ईएसटी बदला और बीयू बदला और ये रेजिस्टेंस बदला 27 किलो का। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। और आप एक्चुअली हमजा अली को आज्ञा दीजिए, बस मैं आपको, आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सही जानकारी मिलेगा। ठीक है, ये स्पार्किंग कर रहा था सेट, यहाँ पे बहुत स्पार्किंग करके इसको खराब किया, यहाँ भी स्पार्किंग था। इसका ईएसटी देखिए जला हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका ईएसटी है और देखिए यहाँ जला हुआ है, देख रहे हैं। थोड़ा सा मेरा कैमरा गड़बड़ा गया है इस पॉइंट पे, देखिए जला हुआ है यहाँ से भी इसको। ठीक है, तो इसके कारण मैंने ये सेट को बदल दिया। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल एच एल ई टेक को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।